एबीपीएस न्यूज सच का साथी। शैलेंद्र दुबे अध्यक्ष सर्वदलीय संरक्षण समिति। केंद्र सरकार की पदोन्नत में आरक्षण लागू करने की और केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदला, इससे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर के कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों, अधिवक्ताओं और आम लोगों में बहुत गुस्सा है। आज जो लखनऊ में सम्मेलन हो रहा है, यह राष्ट्रीय सम्मेलन है। 14 प्रांतों के प्रतिनिधि सम्मेलन में आए हैं और आज इस सम्मेलन में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार की पदोन्नति में आरक्षण लागू करने की और SC/ST एक्ट जो संशोधित जारी किया गया है उसकी नीति के विरोध में पूरे देश में शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन से जो आज है और सरदार पटेल के जन्मदिन तक 31 अक्टूबर तक पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक जागरूकता रथ निकाला जाएगा। इसके बाद संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान नवंबर के महीने में दिल्ली में एक विशाल रैली होगी जिसकी तारीख हम लोग आज के सम्मेलन के बाद घोषित कर देंगे। लेकिन एक विनम्र चेतावनी भी हमारी है, अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने या केंद्र सरकार ने जो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है यमुना ग्रंथ पर उसकी मनमानी व्याख्या कर उत्तर प्रदेश की सरकारी सेवाओं में पदोन्नत में आरक्षण लागू करने की कोई कोशिश की तो इसकी तीखी प्रतिक्रिया होगी और उत्तर प्रदेश के 18 लाख कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षक बिना और कोई नोटिस दिए लाइटनिंग स्ट्राइक जिसका तात्पर्य है उसी समय से हड़ताल पर निकल जाएंगे जैसे ही सरकार ऑर्डर करेगी और इसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी, राज्य सरकार की होगी।